क्या हिमाकत है? ये सब एक दिखावा है, धोखा है, फरेब है। हीना, ये आदमी धोखेबाज है। हीना, ये क्या हो गया है तुम्हें? अचानक कैसी बातें कर रही हो? बेटा हीना, ये क्या कह रही हो तुम? ये आदमी धोखेबाज है हीना। पूछे इनसे हमने, क्यों इतने सालों तक हमें अंधेरे में रखा? हीना, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? आज जान गई हूं मैं, यहां पर 25 सालों की शादी का जश्न नहीं बल्कि 25 सालों के धोखे का मातम मनाया जा रहा है। आप बताएंगे इन्हें या मैं बताऊं? हीना, बात जो भी हो लेकिन लेकिन अपने अब्बू की इज्जत का इन सबके सामने तमाशा मत बनाओ। हाँ, आपको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे दिल से पूछिए क्या गुजरती है जब कोई अपना शादी किसी और से करे और प्यार किसी दूसरे से। आज आप जैसे लोगों में इनका नाम भी जुड़ गया है। अम्मी से पहले भी इनकी जिंदगी में कोई थी और आज भी है। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं मानती, मैं ये नहीं मान सकती। आप कुछ कहते क्यों नहीं? मिर्जा साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं? इस पर हाथ रखकर कहिए जो मैंने कहा वो झूठ है। छुटलाने की हिम्मत है तो कहिए, बताइए आपकी जिंदगी में और कोई है या नहीं? ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूं। सौतन का इस्तकबाल नहीं करोगी? यूं आंखें फाड़ कर क्या देख रही हैं आप? मिर्जा और मेरा रिश्ता तो बहुत पहले जुड़ चुका है, आज उस रिश्ते को नाम देने का वक्त आ गया है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। नवाब मिर्जा, यहां देखो, अपनी नगमा की तरफ देखो, आज मैं दुल्हन बनकर आई हूं और तुम दूल्हे की तरह सजे हो। बाराती भी है, क्यों ना आज निकाह पढ़ लिया जाए।
चलिए निकाह कर लेते हैं। बेगैरत बेहया, यही सिला दिया तूने मेरी इंसानियत का? अपने शौहर की तलाश के बहाने मेरे शौहर पर डाका डाल दिया? तलाश तो एक बहाना था अम्मी, और इसी बहाने ये यहां आकर अब उसे मिलती थी। मिर्जा, मैंने तुम्हें एक बार खो दिया, अब दोबारा खोना नहीं चाहती। चलो निकाह कर लेते हैं, इसलिए काजी साहब को साथ ले आई हूं। खामोश! मेरी जिंदगी में तो जहर घोला ही था तुमने, अब मेरे घर में भी जहर घोल दिया। दफा हो जाओ, चली जाओ यहां से। तो जहर तो आपने भी घोला है मेरी जिंदगी में, मैंने आप पर भरोसा किया। मैंने इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए ऐसा किया बेगम। मत कहिए मुझे बेगम, कभी मुझे फख्र था इस नाम पर, आज शर्म आती है। क्यों आपने मेरा भरम तोड़ा? क्यों आपने मेरा भरम तोड़ा? क्यों आपने तोड़ा? ये क्या कर रही हैं आप? ये मेरे शौहर हैं। मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगा, समझी? करें कभी कबूल नहीं करूंगा। लेकिन नवाब मिर्जा, जो रिश्ता तुम्हारे और मेरे बीच जुड़ चुका है, उसे तुम कैसे ठुकराओगे? तुम मेरे बेटी के बाप हो, अब तो मुझे कबूल करना ही होगा तुम्हें। बस क्या यही एक सदमा देना बाकी रह गया था, या कोई और भी है? बताइए 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 ना। अम्मी छोटी जेल है, आप इनसे क्यों सवाल कर रही हैं? ये तो हमें धोखा देते आए हैं, इनसे सवाल करना खुद को धोखा देना है। हीना, तुम कमाल है, किसी ने पूछा भी नहीं कि वो बेटी कौन है, नाम क्या है उसका, कैसी दिखती है। शगुफ्ता, सौतेली ही सही, आखिर वो भी तुम्हारी बेटी है, हीना की बहन। मुझे उसमें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है, और ना ही उसका नाम सुनना गवारा करूंगी मैं। मिर्जा, वो बाहर ही खड़ी है। मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने का वादा किया था, जब मैं पूरा करूंगी तुम्हारी बेटी को मैं बुलाने जा रही हूं। दिल थाम कर देखो। आ जा मेरी बच्ची, तेरे अब्बू तुझे बुला रहे हैं। छोटी माँ, मत कहो मुझे माँ। नहीं कहती, लेकिन माँ ना कहने से आपका और मेरा रिश्ता थोड़ी ना बदलेगा। मानिए या नहीं, मेरी मामा आपकी सौतन है। गलत बेटा, मैं इनकी सौतन नहीं, ये मेरी सौतन है। बात तो एक ही है मामा, अब आप दोनों एक साथ रहेंगे, एक छत के नीचे,
इस घर में तुम भी तो यही रहोगी बेटी। तुम भी कभी हिना की सौतन थी। तुम हिना की सौतन और मैं इनकी सौतन। देखना दुनिया वाले हमारी मिसाल देंगे। अम्मी मत लगाइए मुझे हाथ, मैं ठीक हूँ। चलिए ये रही तुम्हारी बेटी मिर्जा। क्या हुआ मिर्जा, तुम चुप क्यों हो गए? एक बाप का दिल तड़प रहा था अपनी बेटी से मिलने के लिए, खून के आंसू रो रहे थे तुम। आज बेटी सामने है, गले नहीं लगाओगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरी बेटी होगी। कुछ भी हो ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हें तो कबूल करना ही पड़ेगा। मैं इस लड़की से नफरत करता हूं। पहले मैं हीना की सौतन थी, आज मैं आपकी बेटी हूं। कुछ भी हो जाए आपको तो मुझे एक बाप का प्यार देना ही होगा। आज मैं हीना के प्यार की बराबर की हिस्सेदार हूं। तुम जब भी मेरी जिंदगी में आई हो अपना हिस्सा लेने ही आई हो। क्या करूं, हमारे सितारे इनको जैसे हैं जो टकराते रहते हैं। आओ गले लग जाओ ताकि मैं ये टकराने का इरादा बदल दूं। गले लगाकर सदा ही तुमने मेरी पीठ पर वार किया है, अब मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूं, ये सच्चाई तुम भूले से भी मत भूलना। अच्छा होता अगर ये सच्चाई कभी सामने ही ना आती। हीना, अच्छा तो सिर्फ मेरे लिए होता है, तुम्हारे लिए सिर्फ बुरा। क्यों अबू? आप इस घर में आप मुझे अपना प्यार देंगे ना? ये मेरी बदकिस्मती है कि तुम दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। अगर मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की है तो सिर्फ शगुफ्ता और अपनी बेटी हीना पर, और आइंदा भी उन दोनों पर अपने आप को निछावर करता रहूंगा। समझे कि नहीं? कोई बात नहीं मिर्जा, तुम्हारी जिंदगी में ना सही लेकिन तुम्हारे घर में हम बराबर के हिस्सेदार बनकर रह सकते हैं, और तुम ठुकरा भी नहीं सकते क्योंकि इन तमाम लोगों के सामने तुमने इकरार कर लिया है कि रूबी तुम्हारी बेटी है और मैं। बस 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 बस, या अल्लाह मैं और नहीं सुन सकता। कोई बात नहीं मत सुनो, लेकिन इतना बता दो कि हमारा रहने का कमरा कौन सा है। तुम दोनों को यहाँ रहना है तो शौक से रहो, लेकिन ये मत समझना कि अबू अकेले हैं। ये गुनहगार हैं तो सिर्फ हमारे, और इन्हें सजा मिलेगी तो हमसे, सिर्फ हमसे। पराया बनाकर रख दिया तुम्हारे अब्बू ने मुझे। मेरे इतने सालों की वफा का ये सिला दिया। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज
मैं आपके साथ हूँ। ये शय और मात। ओह मदा। मामा, आप तो मुझसे भी अच्छी खिलाड़ी निकली। तुम्हारी माँ जो हूँ और दोस्त भी। मतलब मामा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आप दुश्मनी के आड़ में मुझसे दोस्ती निभा रही थी और हिना से दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभा रही थी। मतलब ये सब क्यों माँ? गले लगाकर पीठ पर वार करने का मजा ही कुछ और है। मैं तुम्हें सारे दांव पेच सिखा दूंगी, फिर देखना दौलत समेटना तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा। मामा, दौलत समेटने के लिए हम यहाँ तक तो आ गए हैं, अब मंजिल बस थोड़ी सी दूर है और साथ में हीना का जीना हराम करना और भी आसान हो जाएगा। हारे हुए को हराना बहुत आसान है माँ। अगर मैंने हीना को दर दर की ठोकरें निकलाई ना, तो मेरा नाम भी रुबीना खान है। ना आप रोएंगी अम्मी और ना मैं, वो दो है तो हम भी कम नहीं। हम उनकी नापाक इरादों में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे।